हार्दिक स्वागत है। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव में दो दिवसीय दौरे पर आए कृषि एवं पंचायती राज मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला का भाजपाई ने किया गर्मजोशी से स्वागत। इस दौरान सिलवासा के टाउन हॉल में आयोजित अर्थ संकल्प पर चर्चा सम्मेलन में भी कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने शामिल होकर सम्मेलन को संबोधित किया। 1 फरवरी को केंद्र की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट पर विस्तृत जानकारी देते हुए जागरूक किया। 21वीं सदी का दशक शुरू हो रहा है और इसका ये पहला बजट है, ये अभी से शुरू हो रहा है। इस बजट के लिए इसलिए दो तीन चार बातें आपके सबके संज्ञान में डालने का ही, इसको बोलते हैं कि संकट काल से निकलने के लिए रास्ता बनाने की सरकार की नीयत कैसी है, इसी से पता लगता है कि उसके मन में था। मोदी जी प्रधानमंत्री बने और पहली बार जब उन्होंने शपथ लिया 14 में, तब उन्होंने बोले थे कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित है, देश के किसानों को समर्पित है, देश के पिछड़े लोगों को समर्पित है, जो विकास से वंचित हैं उनके लिए मेरी सरकार काम करेगी। और अभी 6 साल का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया, देश की जनता ने उसको परखा, दोबारा विश्वास दिया, दोबारा उन्होंने शासन शुरू किया। तो इन गरीब कार्यक्रमों को और आगे ले जाने का भी प्रयास इस बजट में हुआ। आप सब ने जानते ही हो कि 8 करोड़ उज्ज्वला गैस के मुफ्त कनेक्शन बहनों को दिए, ये फिगर छोटा नहीं है, 8 करोड़ उन महिलाओं को दिए गए जो गैस यूज करने वाले नहीं थे, जिनके घर में गैस नहीं था और खरीदने की जिनकी क्षमता नहीं थी, वो सोचने भी नहीं थे कि हम भी कभी गैस के चूल्हे, वो ऐसे ही मानते थे शेठ के घर में होते थे। पहले हम गांव वाले मानते थे कि बिजली तो शहर में होती थी, हम 24 घंटा बिजली दिए तब गांव वालों को डिमांड नहीं करते थे कि हमको भी 24 घंटे दे, वो यही मानते थे कि अहमदाबाद में 24 घंटे होनी चाहिए, बड़ौदा में होनी चाहिए, सूरत में होनी चाहिए, हमारे गांव में होनी चाहिए, ऐसा कोई मानता नहीं था, मानते भी नहीं। मगर मोदी जी ने जब 24 घंटे दे दिए, तो इस प्रकार से ये 8 करोड़ महिलाओं को मुफ्त कनेक्शन दिए, तो इस कालखंड में अब शुरू हो रहे इस बजट में भी 1 करोड़ नए कनेक्शन देने का भी वादा है। तो उसी कार्यक्रम को आगे ले जाना, उसी कार्यक्रम को आगे। ऐसे ये कोविड के कालखंड में जब हमारा प्रवेश हुआ तो इतनी असमंजसता थी, क्योंकि ये शत्रु ऐसा है जो दिखाई नहीं देता, उससे कैसे लड़ेंगे उसका किसी को पता नहीं है, वो क्या करेगा वो किसी को पता नहीं, तो उसके सामने लड़ाई थी। और दुनिया में से जो न्यूज आ रहे थे और अभी भी जो आ रहे हैं, इससे पता लगता है कि महासत्ता जिसको बोलते हैं, जो मानते हैं, वो भी आज इसके सामने घुटने टेक कर बैठ गए। इसी हालत में जब दुनिया हो, तब हमने जब प्रवेश किया तो हमारे पास एक लेबोरेटरी थी, 135 करोड़ की आबादी वाले इस देश के पास कोरोना का टेस्टिंग करने की एक लेबोरेटरी थी। 24 मार्च जब लॉकडाउन का पहला दिन था, मैं उसी स्टेटस आपके सामने रखना चाहता हूं, और उसी कोरोना की सारवार के लिए या इसको देखने के लिए भी इसके पास जाना है तो पीपीई किट्स बिना पहने जा नहीं सकते, दर्दी डॉक्टर भी नहीं इसके पास जा सकते, वो पीपीई किट्स हम इंपोर्ट करते थे, वो भी हमारे यहां बनती नहीं थी, वेंटिलेटर हमारे पास नहीं थे, एक लेबोरेटरी पीपीई किट्स हमारे पास नहीं, और कोरोना दुनिया को डरा रहा था। मैं आज आपके सामने बात करने के लिए, इस बजट की बात करने के लिए आया हूं, तो मोदी जी की सरकार ने और मोदी जी की दीर्घ दृष्टि के कारण आज हम पीपीई किट्स दुनिया के देशों को दे रहे हैं।